बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऐसे लैसी है। वेलकम टू सेवन सोशल स्टडी क्लास। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों आज हमने जो है जियोग्राफी का यूनिट नंबर 11 नेचुरल डिजास्टर के बारे में पढ़ना है। पेज नंबर है 76। ठीक है, कुदरती तबाहियाँ, नेचुरल डिजास्टर होते हैं जो कुदरती तबाहियाँ होती हैं उनके बारे में आज पढ़ना है। अर्थक्वेक जो है As we learned earlier, an earthquake occurs when the plates of the earth crust move. When the plates move and cause the rocks on and below the ground to break or crack, seismic waves are released in all directions. मैं बता रही हूँ कि जब ये earthquake जो plates होती हैं, earth crust move कर रही होती हैं, तो and cause the वजह बनती है rocks की जो चट्टानें होती हैं below the ground जो जमीन के नीचे are to break. टूटती या क्रैक्स पड़ता है फिर जमीन पर, सिस्मिक वेव जो है वो रिलीज करती है ऑल डायरेक्शंस की तरफ। ठीक है, जस्ट लाइक बिल्कुल रिपल्स एंड स्टैंडिंग वाटर, रिपल्स जो होते हैं स्टैंडिंग वाटर में। ठीक है, दीज वाइब्रेशन, ये जो वाइब्रेशन वाइब्रेट हो रही होती है, ठीक है, ग्राउंड शेक और कॉजिंग वजह बनती है, इससे काफी जानी माली नुकसान भी होता है, इसको अर्थक्वेक है। इसी तरह कुलेयन जो जोन है एरिया जहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती, और इसी तरह डिवर्जिंग जो जोन है इन एरिया जहाँ पर प्लेट पुल हो रही होती है, अबे कर पुल अबे करती है एक दूसरे से। इसमें सिस्मोमीटर के बारे में बता रहे हैं कि एक मशीन है जो इस्तेमाल होती है इसमें अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड इसका रिकॉर्ड के लिए, और सिस्मोग्राफ जो होती है इसकी वेव्स को रिकॉर्ड करती है, मैग्नीट्यूड जो होती है इसकी स्ट्रेंथ को और इसकी पावर चेक कर रही होती है जल्जिले की। इसी तरह रिचर स्केल में इसकी डिवीजन चेक करते हैं, बिटवीन 0 to 10 है शो कर रही होती है। ठीक है, अर्थक्वेक की नेक्स्ट पेज में हम जो है इसमें अर्थक्वेक मेजरिंग जो है इसमें 2 ऑन द रिस्टर स्केल विल बी लेस जो है कम होगा डैमेजिंग देन 1 मेजरिंग 2 7 7 का पैमाइश करें तो बनिस्बत 7 के अगर 2 होगा तो वो फिर डैमेजिंग कम होंगी, मतलब नुकसान कम होंगे। एपिसेंटर जो है पॉइंट अंडर द ग्राउंड, अंडर द ग्राउंड फ्रॉम वेयर द रॉक ब्रेक, जहाँ पर जो रॉक्स होती है ब्रेक हो रही होती है और सीज़मिक वेव्स होती है वो बाहर की तरफ उसे सेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, फोकस जो है पॉइंट ऑन द ग्राउंड जो है जस्ट अबव द एपिसेंटर, दिस इज वेयर द मोस्ट डैमेज टू लाइफ, जिससे क्या होता है कि ज्यादातर जानी माली इसमें नुकसान होता है। फॉल्ट में क्रैक्स और फ्रैक्चर्स जो है वो जमीन की क्रस्ट पर होते हैं। ठीक है, और जो बाउंड्री है एज ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स का ये एंड होता है, इसका किनारा होता है, एज किनारे को। डैमेज कॉजेस बाय द अर्थक्वेक्स में है, पीपल एंड एनिमल्स गेट हर्ट और डाई, हाउसेस एंड बिल्डिंग क्लॉक्स एंड टॉपर्स, इस सारे में बता रहे हैं कि जो लोग और इसमें जानवरों का भी और लोगों का काफी जो नुकसान होता है, जख्मी होते हैं जलजले में, इनकी डेथ हो जाती है, हाउसेस वगैरह बिल्डिंग्स को देखें खत्म हो जाते हैं। इसी तरह जो है सप्लाई सिस्टम जो है रुक जाता है, ब्रिज जो है ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, कुछ लोग जो है ट्रूमा में मुतला हो जाते हैं, और ये इसी तरह फूड सप्लाई खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, इससे काफी बिजली का निजाम इसमें दरम बरम हो जाता है, वाटर गैस सीवेज पाइप्स जो है ये फट जाते हैं जो पाइप्स होते हैं। इसी तरह क्रॉप्स और हार्वेस्ट जो है ये तबाह हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों पेज है, इसमें कॉप्स एंड अर्थक्विक्स के कॉपिंग एंड विद अर्थक्विक्स के बारे में बता रहे हैं कि जब जलजला होता है तो उस टाइम इंडिविजुअल लिहाज से एंड कम्युनिटीज का जो है उस वक्त क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जब वॉलंटियर कोई करना चाहे तो वो क्या कर सकता है, या गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो क्या कर रहे होते हैं उस टाइम, ये चार्टर वो बनाया गया, ये आपने पढ़ना है। ठीक है, पेज नंबर 80 पे है, इसमें फ्लड्स के बारे में। ठीक है, व्हेन अ रिवर फ्लो ओवरफ्लो इनटू लैंड द नेचुरल डिजास्टर कॉल्ड फ्लडिंग अकर्स, द फोर्स ऑफ द फॉलोइंग रिवर स्प्रेड वाटर ओवर अ वास्ट एरिया, बता रहे हैं कि जब दरियाओं में पानी जो है जमीन बहुत ज्यादा हो जाए तो कुदरती तबाहियां जो है फिर होती है कि फ्लडिंग अकर, सैलाब होते हैं। इससे क्या होता है कि वो पानी जो है जब बहुत ज्यादा हो जाता है फ्लो कर रहा होता है स्प्रेड वो फैल जाता है वास्ट एरिया में, वसी जो खुला एरिया हो उस उधर आउटसाइड इट्स बैंक, इसके किनारे से ये निकल जाता है जब प्रेशर ज्यादा हो जाता है, फिर क्या होता है इसके रास्ते में जो चीजें आती है वो तबाही का सामान बन जाती है। फिर काजेज है इसकी वजहों पढ़ते हैं कि ऑलरेडी टू मच वाटर जब हो जाता है किस में मट्टी में फ्लडेड एरिया जो सैलाबी एरिया होते हैं जहाँ पर बारिशें वगैरह हो जाए या सैलाबी तो पानी जो मट्टी होती है अपने अंदर बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर लेती है। फिर क्या होता है रिवर बेड इज रेज बाई डिपोजिशन ऑफ सिल्ट एंड अदर मटीरियल विच मीन्स द रिवर इज अनएबल
टू होल्ड इट्स यूजुअल अमाउंट ऑफ वाटर. रिवर जो है रिवर बेड जो है ठीक है रेस बढ़ता है डिपोजिशन ऑफ सिल्ट की वजह से. और दूसरी मटेरियल जो है जिनका मतलब है रिवर इज अनेबल अनेबल हो जाता है टू होल्ड इट्स यूजुअल अमाउंट ऑफ वाटर को जो है और इसके अंदर जो है इकट्ठा करने में ठीक है वो बहुत ज्यादा जब हो जाता है. कंस्ट्रक्शन इन द ड्रेनेज बेसिन स्टॉप वाटर फ्रॉम बीइंग अब्सॉर्ब्ड इन ओपन ग्राउंड. जब तमीराती जो ड्रेनेज सिस्टम जो निकासी वाला होता है स्टॉप रुक जाता है पानी का फ्रॉम बीइंग किस वजह से अब्सॉर्ब्ड इन ओपन ग्राउंड जब उसे अपने ओपन ग्राउंड में ऑब्जर्व कर लेता है. कटिंग डाउन ट्री मेक्स वाटर रन अपर माउंटेन स्लोप. कटिंग डाउन जो काटने वाले जो ट्रीज वगैरह हैं ठीक मेक्स वाटर वो बनाती है पानी को रन ऑफ माउंटेन पहाड़ों से स्लोप के ग्रेट स्पीड के साथ जो है क्या होता है फ्लडिंग द वैलीज की तरफ जो है वो स्लाब की तरफ में वो स्पीड से आ रहे होते हैं. इसी तरह लो लिंग एरिया जो होते हैं रिसीव वो फ्लड वाटर फ्रॉम एडजोनिंग एरिया उसके साथ जो मिलने वाली एरियाज है उन हायर लैंड में वो रिसीव कर रही होती है. ड्राई मर्मिएबल सॉइल जो आल्सो ब्लॉक्स अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर मतलब पानी के ऑब्जर्वेशन की वजह से वो ब्लॉक्स हो जाते हैं. इसके बाद जो है डैमेज कॉज बाय फ्लड्स है नंबर वन में द करंट ड्राउन आर स्वीप अवे जो है ह्यूमंस एंड एनिमल्स ठीक है इसको जो है ड्रॉन करके ले जाते हैं. हाउसेज जो होती है अदर प्रॉपर्टी होती है वो डैमेज हो जाती है डिस्ट्रॉय हो जाती है. बिल्डिंग्स जो है वो यूजुअली आमतौर पर रिमेन अनसेफ हो जाती है महफूज मतलब वो अनसेफ होती है वो सेफ नहीं होती लोगों के लिए टू लिव फॉर मेनी डेज. सैलाबी एरिया में उधर जो है लोग जो है अनसेफ हो जाते हैं. आगे जो है रोड्स एंड हाईवे जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं. इलेक्ट्रिक सिटी जो है हम देखें तो गैस पावर सप्लाई वो डिस्टर्ब हो जाता है. टेलीफोन अदर केबल्स ब्रेक हो जाते हैं. सीवेज पाइप जो बर्स्ट हो जाते हैं फट जाते हैं ये पाइप. क्रॉप जो है वो तबाह हो जाती है. सीवेज वाटर जो है मिक्स हो जाता है ड्रिंकिंग वाटर के साथ ठीक है जो पीने के लिए मुनासिब नहीं होता. आगे जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में क्रिएट अवेयरनेस हो होनी चाहिए उन्हें कि पैदा करें अमंग द पीपल लोगों के दरमियान अवेयरनेस जो है पैदा करें. आइडेंटिफाई फ्लड प्रोन एरियाज एंड डिस्करेजिंग कंस्ट्रक्शन इन दैम मतलब उन एरिया में जहाँ पे फ्लड एरिया है कंस्ट्रक्शन नहीं करनी चाहिए. बिल्ड कंक्रीट एम्बैंकमेंट अलॉन्ग रिवर बी प्रिपेयर टू कंस्ट्रक्ट टेम्पररी एम्बैंकमेंट विद सैंड बैग मतलब इस किनारे पर जहाँ पे रिवर वाला है उनके किनारों पर जो है सैंड बैग जो बड़े बड़े बनाकर रख दिए जाए ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास पेज 82 में है मेंटेन अ फ्लड. फ्लड को मेंटेन करना आवाज देखें एंड वार्निंग सिस्टम टू हेल्प पीपल वार्निंग दे लोगों को इस निजाम की उनकी मदद करें इवैल्यूएट इन टाइम जो है इसका जायजा लेकर. मूव पीपल टू सेफर लोकेशन लोगों को कहें कि वो सेफ जगह में चले जाएं. अरेंज फॉर टेम्परेरी शेल्टर और जो है वहां पर टेम्परेरी तौर पर अपने पना गांव जो है बना लें. वाटर फूड राशन वगैरह का इंतजाम करें. अरेंज फॉर प्रॉपर फ्लड रिलीफ इक्विपमेंट इंक्लूडिंग बोट्स एंड मेडिकल एड. अरेंज करें लोगों के लिए प्रॉपर फूड के फ्लड रिलीफ इक्विपमेंट सामान जो है उन्हें मुहैया करें इंक्लूडिंग इनमें बोट्स वगैरह मेडिकल जो है फैसिलिटीज हैं. प्रॉपरली ट्रेन एंड ऑर्गेनाइज वर्कर फॉर अफेक्टिंग रेस्क्यू एंड रिलीफ प्रॉपरली उन्हें ट्रेन करें और ऑर्गेनाइज करें ऐसे वर्कर जो इफेक्टिव रेस्क्यू के लिए रिलीफ के लिए ठीक है और लोगों को जो है उनको सुकून पहुंचा सके उनके लिए जो चीजें जो है प्रोवाइड कर सके. ये बच्चों जो हमारा है आज की जो रीडिंग थी कंप्लीट हुई है. इनमें से कुछ क्वेश्चन आंसर है जो मैं आपको राइट करवा देती हूँ. अपनी नोटबुक ओपन करें. ऊपर डे टू डे मेंशन करें. यूनिट नंबर 11 लिखकर आगे जो है यूनिट का नाम लिखें. नेचुरल डिजास्टर फिर क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट कॉजेस An earthquake. Answer likhein. When the plates move and cause the rocks and cause CAUSE the rocks on and below the ground
टू ब्रेक और क्रैक्स सी आर एस सी के सिस्मिक एस सी आई एस एम आई सी वेव्स आर रिलीज्ड इन ऑल डायरेक्शंस जस्ट लाइक रिपल्स आर आई डबल पी एल डी एस इन स्टैंडिंग वाटर these vibrations shake the ground causing damage to life and property full stop this is called an earthquake agla question likhe use your dictionary to find out the following terms means number 1 kya hai For sure. इसका लिखे small tremors, T R I M I S U S, that occur before the main earthquake because rocks deep inside the earth, E A R T H, earth है ये, start to move. नंबर टू आफ्टर शॉक के बारे में लिखे ए एफ टी ई आर एस एच ओ सी के स्मॉल ट्रीमियस ए टी आर आई एम आई यू एस दैट अकर आफ्टर शॉक द मेन अर्थक्वेक बिकॉज द रॉक्स डीप इनसाइड द अर्थ सी स्पेस टू settle down, full stop. Question number 3, describe the 3 ways in which volcanoes sand form. Iska answer likhe. Volcanoes are divided into 3 types on the basis of their activity. Number 1, इसमें क्या है? Active volcano. Heading आपने देनी है active volcano की. An active volcano is one that has erupted recently and will probably erupt again soon. Full stop. Mount Etna and Stromboli. Stromboli. ठीक है. S T R O M B O L I. Stromboli in Italy and Stromboli in Italy and Puglia in ये कहाँ की है ये जो है हवाई एच ए डब्ल्यू ए डबल आई और एक्टिव वोल्केनोस है अगली है डॉर्मेंट वोल्केनो और डॉर्मेंट वोल्केनो और स्लीपिंग वोल्केनो इज वन दैट हैज नॉट एरप्टेड फॉर सम टाइम बट देर आर साइन ऑफ एक्टिविटी इनसाइड द वोल्केनो There are chances of eruption sooner or later. Mount St. Helens in Washington, Mauna Kea in Hawaii, and SETI Studios in Portugal are dormant volcanoes. अब आपने जो है एक्सटिंक्ट वोल्केनोस के बारे में लिखना है. एक्सटिंक्ट और डेड वोल्केनो इज वन दैट हैज नॉट इरप्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इट इज अनलाइकली दैट इट विल इरप्ट अगेन. देर आर नो साइन of any activity inside the volcano. Mount Kenya in
अफ्रीका, द हवाइया द हवाई एम्पायर सीमा चैन, इन द पैसिफिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन एंड वोल्टिवियो शिपरॉक एंड द ज़ुइटवल वोल्केनो, इन द नेदरलैंड्स आर एक्टिव वोल्केनोस, फुल स्टॉप। ये हमारा आज का काम बच्चों कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसे आपने लिखना भी है और याद भी करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।